तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मुझे मिला है एडसन रील और कैसे मिला है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों आज आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि एडसन रील मिला है। आप लोग बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि ये बंदा सिर्फ हवाबाजी में बात छोड़ता है, तो आपका भाई हवाबाजी में बात नहीं छोड़ता, जो बताता है रियल बताता है, जेन्युइन बताता है। और दोस्तों आप लोग क्या करते हो, मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग स्किप करते हो, इसलिए आपको नहीं मिलता। दोस्तों मैंने पिछली कई वीडियो में बताया कि एडसन रील कैसे मिलेगा। दोस्तों मैंने वही पेज अप्लाई किया था पिछली वाली वीडियो पर और मैंने बताया था कि 2 से 3 दिन बाद मिल जाएगा। दोस्तों मैंने अप्लाई किया और 2 से 3 दिन बाद मुझे आज एडसन रील मिल गया है। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरी वॉच नहीं करते हो, इसमें आपका घाटा होता है। और आप लोग सोचते हो कि इस बंदे की वीडियो पूरी वॉच करूंगा तो इसको बेनिफिट होगा। दोस्तों मुझे यूट्यूब से कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा मैं फेसबुक से अर्निंग कर लेता हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब पर आया हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग सीखिए, वीडियो बिना स्किप करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि एडसन रील कैसे मिल पाएगा या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी से कैसे रिमूव होगा वगैरह वगैरह जो फेसबुक से रिलेटिव बात होती है। दोस्तों आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप वीडियो स्किप करते हो। और दोस्तों फर्जी वीडियो देखना बंद करें, दोस्तों टॉपिक की वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एडसन रील कैसे मिला। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मीटअप वेबसाइट पर जाकर आपको बताना होगा कि मैं फेसबुक पर कंटिन्यू वर्क करता हूँ, आप मुझे एडसन रील दे। जैसा कि एडसन रील इनवाइट ओनली होता है तो उसमें जाकर आपको फॉर्म फिल करना रहता है, तो वो इनवाइट ओनली वाला फॉर्म फिल हो जाता है, फेसबुक जान जाता है कि आप वर्क कर रहे हो। अगर आपको फेसबुक का वर्क अच्छा लगेगा तो फेसबुक आपको एडसन रील दे देगा। दोस्तों मैंने उस पर अप्लाई किया और मुझे आज एडसन रील मिल गया। चलिए मैं दोस्तों आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि किस पेज पर मुझे एडसन रील मिला है और कैसे मुझे मिला है, अब उसको मैं कैसे सेटअप करूंगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहां बताता हूँ कि आपको एडसन रील कैसे मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ही पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। और दोस्तों एक खास बात, इस वीडियो में एक कोड रखा गया है, अगर आप उस कोड को टाइप करके कोई भी क्वेश्चन पूछते हो कमेंट बॉक्स में तो आपका रिप्लाई 99% दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, बहुत सारे लोग कोड नहीं टाइप करके क्वेश्चन करते हैं, तब भी मैं उनका रिप्लाई दे देता हूं, लेकिन अब जो कोड टाइप करेगा उन्हीं का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं और सबसे पहले मैं अपना फेसबुक ओपन कर लेता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना फेसबुक ओपन कर लिया। फेसबुक ओपन करने के बाद पर्सनल डैशबोर्ड पर जाता हूं। तो पर्सनल डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप यहां मेरे फॉलोअर्स देख सकते हैं, रीच देख सकते हैं, एंगेजमेंट देख सकते हैं, नेट फॉलोअर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं और मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन पर चलता हूं और वहां आपको दिखाता हूं कि एडसन रील का ऑप्शन मिला है या नहीं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं एडसन रील का ऑप्शन आ चुका है और इसके सामने सेटअप का बटन भी ऑन है। दोस्तों सेटअप का बटन ऑन है, इसको आप मैं सेटअप करके अर्निंग कर सकता हूं। और दोस्तों इन स्टीम एड का ऑप्शन क्यों नहीं आया, जैसा कि बोनस का तो आ गया, वो तो इनवाइट ओनली है, और इन स्टीम एड का नहीं आया, वो तो क्राइटेरिया में पूरा होता है। तो चलिए इन स्टीम एड के अंदर भी जाते हैं, वहां भी देखते हैं क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप यहां देख लीजिए एलिजिबल क्राइटेरिया ग्रीन है और यहां कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू भी ग्रीन है। और दोस्तों यहां 5000 फॉलोअर्स चाहिए वो भी कंप्लीट है, और यहां दोस्तों आपको 60000 मिनट चाहिए वो भी कंप्लीट है, सिर्फ इस पर 5 लाइव वीडियो नहीं है। दोस्तों 5 लाइव वीडियो अगर मैं कर दूंगा तो इन स्टीम एड का सेटअप भी आ जाएगा। तो दोस्तों इन स्टीम मेट का सेटअप आएगा तो उसे मैं तुरंत नहीं सेटअप करूंगा, अगर तुरंत सेटअप करूंगा तो रिजेक्ट हो जाता है, कुछ दिन बाद सेटअप करूंगा तो वो सेटअप हो जाएगा, इसलिए मैं अभी लाइव नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एडसन रील का ही सेटअप करूंगा। तो एडसन रील का सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए और स्विप कोड चाहिए, ये इतनी सारी डिटेल चाहिए। और हाँ एक खास बात, अगर एक ही बंदे की डिटेल सब होनी चाहिए, जैसे कि आप ही आपके नाम का आधार कार्ड है तो आप ही नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप ही नाम का पैन कार्ड होना चाहिए और आप ही नाम का सब कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए यहाँ सेटअप करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग लेता है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहले से एक अकाउंट बना है, जैसे कि मैंने दूसरा प्रोफाइल सेटअप की थी वो यहाँ पास है। अब दोस्तों मैं इनके नाम पर नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा एड न्यू बिजनेस इन्फो। दोस्तों अगर आप इसी पर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट दबा दीजिएगा, लेकिन मैं इनके नाम पर नहीं करना चाहता हूं, मैं दूसरे के नाम पर करना चाहता हूं, तो एड न्यू बिजनेस इन्फो पर क्लिक कर देना है। तो एड न्यू बिजनेस इन्फो पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों इतना क्लिक करने के बाद लीगल फर्स्ट नेम, लीगल लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री इतना आपको डालना है। दोस्तों जैसे कि आपका नाम है शान बाबू तो आप ऊपर डालिए शान और नीचे डालिए बाबू, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए जो आधार कार्ड में है। और दोस्तों कंट्री आप जिस कंट्री को हो, मैं इंडिया कंट्री का हूं तो इंडिया डाल देता हूं। इतना डालने के बाद मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। तो चलिए मैं इसको फटाक से भर लेता हूं।
तो दोस्तों मैंने इतना भर लिया, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है स्टार्ट अर्निंग फॉर फिनिश, दोस्तों उसके नीचे लिखा है इसी जैसे ही आपका $500 कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक कर सकते हैं तो हमारी अर्निंग स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पर फिनिश सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मतलब मेरा यहाँ से ही सेटअप फिनिश हो जाएगा, इसके आगे मुझे जाना नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेने लगा। तो दोस्तों प्रोसेस लेने के बाद सक्सेस यू कैन स्टार्ट अर्निंग नाउ फॉर एड्स ऑन रील, मतलब अब आप सक्सेस हैं, आप एड्स ऑन रील से अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर डन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही डन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं $0.0 की अर्निंग हो रही है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एड पे आउट अकाउंट, मतलब जिसमें आपको अर्निंग लेना है वहाँ पास आप डाल सकते हैं, एड पे आउट अकाउंट पर डालकर आप अर्निंग ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी पे आउट अकाउंट नहीं सेटअप करूंगा, इसलिए नहीं सेटअप करूंगा क्योंकि अभी इस पर अर्निंग नहीं हुई है, पे आउट अकाउंट सेट करेंगे बाद में। तो दोस्तों यहां से मैं बैग आ जाता हूं। अब मैं दोस्तों यहां पर बैग आ जाने के बाद दोस्तों योर टूल में एड्स ऑन रील आ चुका है। अब दोस्तों मैं रील डालूंगा और अच्छी खासी इनकम जनरेट करूंगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉच, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।